मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, या इंग्लिश में लिख सकते हैं अपन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है ना। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आज करेंगे 17.2 स्टार्ट करेंगे। 17.1 अपनी हो चुकी है। इसमें थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये हम आज सीखेंगे। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन, हम सीधे क्वेश्चन से ही समझना शुरू करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, अपन इसको इसकी टेबल बना लेते हैं। इसमें अपने को अर्थमेटिक मीन या समांतर माध्य ही निकालना है, पर इसमें क्या चर और बारंबारता, यानी कि वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी दोनों गिवन है, तो उसका हम कैसे निकालेंगे ये हम देख रहे हैं। ये है एक्स, ये है एफ, ये अपने को गिवन है। थ्री फाइव एट इलेवन, टू फोर फाइव थ्री, ठीक है ना। इसके लिए सबसे पहले हम एक और कॉलम बनाएंगे और उसका होगा एफ एक्स, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके या गुणा करके हमको इस तीसरे कॉलम में लिखना है। तो तीन दुनी छ, पांचो फाइव, फोर जा ट्वेंटी, एट फाइव जा फोर्टी, और इसका 33 या 33। अब अपने को निकालना है समांतर माध्य या अर्थमेटिक मीन, तो उसका अपने पास फॉर्मूला क्या है यहां पे, समांतर माध्य या अर्थमेटिक मीन, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मतलब है कि ये एफ एक्स जो पूरा आया है इन सबका जोड़, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, टोटल एडिशन, ठीक है ना। तो इन सबको जोड़ेंगे या टोटल करेंगे तो सिग्मा एफ एक्स आया है अपने पास 99, और सिग्मा एफ क्या है अपने पास, इन सबका जोड़ यानी कि एडिशन है अपने पास 14, ठीक है ना। हमने क्या किया, हमें x और f दिया हुआ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तीसरा कॉलम बनाया है। इसकी जो भी आई है इसको जोड़ लिया, इसकी जो भी वैल्यूज आई है इनको भी जोड़ लिया या ऐड कर लिया। अब अपने पास ये क्या है, एक फॉर्मूला गिवन है जिससे हमें समांतर माध्य या अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो बस इसमें वैल्यूज पुट करनी और अपना आंसर आ जाएगा। बहुत ही ईजी है। समांतर माध्य या अर्थमेटिक मीन को इससे शो करते हैं एक्स पे बार से, तो एक्स बार कितना है अपने पास 99 अपॉन 14 इक्वल्स टू 7.07, यानी कि अपना समांतर माध्य या अर्थमेटिक मीन हो गया है 7.07, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन, सेम ही है बट इसलिए कि आपको एक से दूसरी बार करके बता दूं ताकि आप इजीली समझ पाओ इसके। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में है वही एक्स एफ लिखना है अपने को, और ये एफ एक्स तीसरा कॉलम। तो x दिया हुआ है 2, 5, 7, 9, 11, और ये है 1, 5, 4, 7, 3, ठीक है। तीसरे कॉलम में हमको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करके लिखना है, गुणा करके लिखना है, तो ये 2, 25, 7, 4, 28, 63, और ये 33, तो टोटल कर रहे हैं अपन या कुल, इनको जोड़ा सिग्मा एफ कितना आया है, ये आया है अपने पास 20 या 20,
सिग्मा एफ एक्स आया है अपने पास 151, यानी कि 151। तो वापस यही फॉर्मूला अपने को यूज करना है, सिग्मा एफ एक्स कितना है अपने पास 151 है और सिग्मा एफ है 20, तो अपने पास आंसर आया 7.55। तो इस तरह से आप, बहुत इजी क्वेश्चन है, इस तरह का हमने 9th में भी किया था, तो आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, अब अपन चलते हैं 7th क्वेश्चन पे, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। आप वीडियो पॉज करके उतारते जाइए। इसमें अपने को क्या दिया हुआ है, अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है और अपने को कोई फ्रीक्वेंसी या जो मिसिंग वैल्यूज है वो निकालनी है। बच्चे ने क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लीजिएगा। सेवंथ क्वेश्चन, इसमें अपने को मीन दिया हुआ है 7.5 और पी की वैल्यू फाइंड करनी है। अपन सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। तो 6, 8, 15 पी, अब क्या है ये 8, 4। ठीक है, ये टोटल आ जाएगा अपना। इधर है अपना 3, 5, 7, 9, 11, 13 और यहाँ है 6, 8, 15, P, 8 and 4। तो वापस करने का तरीका अपना वही रहेगा। यहाँ सिग्मा एफ क्या निकाला है अपन ने, 41 प्लस P, अपने को ये P फाइंड करना है। ठीक है ना, और अपने को समांतर माध्य या फिर ये अपने को दिया हुआ है 7.5। आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो अपने पास आता है 18, 40, 105, 9P, 88, 52। तो सिग्मा एफ एक्स क्या है 303 प्लस 9P। ठीक है ना, अपने पास फॉर्मूला क्या था, समांतर माध्य या अर्थमेटिक मीन का, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। हम इन वैल्यूज को लिख देंगे यहाँ पे, ये लिखेंगे 7.5, यहाँ पे क्या आएगा 303 प्लस 9P अपॉन 41 प्लस P। ठीक है ना, ये वज्रगुणा होगा अपना। वज्रगुणा करने पे 41 प्लस P को अपन मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 से, और ये इधर की संख्या या डिजिट सेम है अपनी। मल्टीप्लाई करने पे अपने पास आता है 3.075 प्लस 7.5 P = 303 प्लस 9P। अब अपन पी पी की डिजिट्स को एक साइड रखेंगे और दूसरे डिजिट्स को एक साइड रखेंगे, तो 303 को इधर ले आते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा 9P, और इसको इधर ले गए हैं ट्रांसपोज किया है तो 7.5 उधर चला गया माइनस का। तो अब अपन क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर लेंगे। माइनस करने पे 1.5 P = आया है 4.5, तो P = 4.5 upon 1.5, यानी कि 1.5
इनको कट किया तो अपने पास आया 3, आंसर 3। तो पी का मान क्या हो गया अपने पास, यहां पर लिख देती हूँ, पी का मान या वैल्यू ऑफ पी क्या हो गई अपनी 3। एक बार वापस एक्सप्लेन कर देती हूं मैं, अपने को x गिवन है, f गिवन है और अपने को अर्थमेटिक मीन या फिर समांतर माध्य भी दिया हुआ है। अपने पास ये p है, यहाँ पे अपने को कौन सी संख्या है वो फाइंड करनी है, ठीक है ना, कौन से डिजिट है। इसके लिए तरीका वही है, पहले जो अपन मेथड कर रहे थे वही करेंगे। f को प्लस कर लिया है तो सिग्मा f आ गया है और सिग्मा fx आ गया है। हमारे पास अर्थमेटिक मीन का या समांतर माध्य का ये फॉर्मूला है, इसमें हमने सारी वैल्यूज पुट की है, फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, मतलब ये दोनों इससे मल्टीप्लाई होंगे, ये यू का यू उतर गया है, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे ये आया है, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे ये आया है, ठीक है। अब अपन ने केवल जो संख्या है वो इधर और ये जो अपने पास पी वाली डिजिट्स जो है वो अपन ने सेकेंड साइड ले लिए, तो इस तरह से हमने पी की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। तो इस तरह से अपना 70.2 आज कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे 70.3। तब तक के लिए गुड बाय।